आज दुनिया के ऊपर जितने भी मजाहब पाए जाते हैं इल्हामी मजाहब वो ये दावा नहीं कर सकते कि हमारे पैगंबर की पूरी तालीम असल शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं तगैर हो चुका है तब्दीली लाई जा चुकी है लेकिन पुराने मजीद अपने असल अल्फाज के साथ जेरो जबर के तबदल के बगैर सदियां गुजरने के बाद आज भी उसी तरह मौजूद है तो इन रोशनियों के होते हुए इन उजालों के होते हुए अगर हम अंधेरों में रहे तो फिर हमें उन हालतों के अंदर डाल दिया जाएगा आज जिस हालत के अंदर हम मौजूद हैं अगर किसी के पास हिदायत का निशाब मौजूद ना हो और वो भटक जाए तो उसके भटकने का तो फिर भी जवाब होता है कि उनके पास कुछ था नहीं हादी नहीं था राबर नहीं था अंधेरा था चराना नहीं था तो भटक गए एक नाबीना किसी कुएं में गिर जाए तो लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं उसको कोसते नहीं है लेकिन एक अंख्यारा किसी कुएं में गिर जाए किसी गड़े में गिर जाए तो लोग उसे निकालने की भी कोशिश करते हैं उसे तो कोसते भी हैं तेरी आंखें नहीं थी तुझे अल्लाह ने चरा नहीं दिया था तो फिर भी गिरा है यार अगर कोई और गुमराह हो जाता है अंधेरों में भटक जाता है तो उसकी बात नहीं है हुम और अंधेरों में चला जा जाए इसलिए कि तुम्हारे पास कुरान मौजूद है तुम्हारे पास हिदायत का चरागा मौजूद है इस किताब के होते हुए तुम किस तरह अंधेरे में डूब सकते हो किस तरह जुल्मतों के सौदागर बन सकते हो किस तरह तुम फिरका फिरका हो सकते हो किस तरह तुम तशत और तफरी का शिकार हो सकते हो किस तरह तुम ग्रोहबंदी का शिकार हो सकते हो जब तुम्हारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है इस किताब से जुड़ने वाले हिदायत की राहों के मुसाफिर होते हैं इकबाल ने जब शिकवे की जुबान खोली तो लहजा बहुत तल्ख हो गया इकबाल फूट फूट के रो रहा है अपने रब से शिकायत कर रहा है सफाए बातिल को मिटाया हमने नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं कहा कि मालिक हमने क्या क्या नहीं किया जंगों की मुसीबतें सही तकलीफों से गुजरे अजियतें सही तेरे नाम पे तलवार उठाई शहादत के लिए आज उम्मत, उम्मत के बच्चे जबा किए जा रहे हैं आज गली गली कशको लिए हम घूम रहे हैं मालिक हमारे साथ ये क्या हो गया तो जवाब आया तो सारा नशा उतर गया जवाब उन्हीं लफ्सों में ऐसे सीधा बदलता है आवाज आई सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो हर कोई मस्ते जो के तन आसानी है तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है हैदरी फक्र है, है। तुमको असलाफ से क्या नस्बत रूहानी है वो ज़माने में मुसलमान होकर तुम खार हुए होकर तुम्हारी पस्ती जिल्लत, जबूहाली नुकबत दिसवाई का सबब इस किताब के दामन को छोड़ देना है इतनी रोशनियों के होते हुए इतने उजालों के होते हुए तुम अगर दर बदर भटक रहे हो तो ये तुम्हारा कसूर है ये उम्मत जिनको अल्लाह ने कुरान दिया और महबूब अल-इस्लाम की अदीस भी हमारे पास हरफ हरफ पहुंची लेकिन फिर भी अगर कोई अंधेरे में डूब जाए तो फिर ये उसका कसूर है तो इस किताब के होते हुए हमारे दिल जंग आलूद नहीं हो सकते लेकिन हमने इस किताब के साथ जो सलूक किया इस किताब के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो किसी से मकफी नहीं है ये सिर्फ किताब सवाब रह गई है जो किताब हिदायत थी जिसका लफ्ज लफ्ज हिदायत देता था हर फर्फ जिंदगी बख्श था जिसकी एक एक आयत हमें जीने के उसलूब सिखाती थी इस किताब को सीने से लगा करके और अपने पैगंबर की राहों पर चल के हम पूरी दुनिया को उसूल जवाबत देने थे और उनको जीने के ढप से खाने थे कौन तुम खैर उम्मन उतनास फरमाया कि तुम्हें तो लोगों के लिए हमने निकाला था तुमने तो कायनात की रहनुमाई करनी थी तुम तो जमाने की क्यादत करनी थी लेकिन आज है रसवा जमाने में कुलाहे लाला रंग जो सरापा नाचते हैं आज मजबूर न्याज रो रहे हैं आज वो दछते जुनू परवर जहां रक्स में लैला रही लैला के परवाने रहे खैर तू साकी सही लेकिन पलाएगा किसे अब ना मैं कश रहे बाकी ना मैं खाने रहे आज हम गली गली रसवाइयों की दाशता लिए फिरते हैं पूरी दुनिया के ऊपर एक इंच जगह भी ऐसी नहीं जहां आतश आहन बरसता हो और वो जमीन को फार की हो जहां भी खून गिरता है नसब पूछो तो वो मुसलमान का खून हो वो अफगानिस्तान में हो वो सीरिया में हो वो यमन में हो वो इराक में हो वो कश्मीर में हो वो अलकुदस में हो जहां भी बहता हुआ खून दिखाई देता है वो इस उम्मत मरहूम का खून बहता दिखाई देता है इसलिए कि हमने इस कुरान को छोड़ दिया ये हमारे आमाल की सजा है बद आमालियों की सजा है कि आज दुश्मन को हमारे ऊपर मुसलत कर दिया गया और हमें रसवाई और जिल्लत के कार मुजलत में डाल दिया गया लेकिन अफसोस ये है कि इसके बावजूद भी हम संभलने के लिए तैयार नहीं है